जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में शनिवार की दोपहर बछलता रोड पर स्थित एक गारमेंट्स की दुकान में ठगों ने दुकानदार को झांसा देकर 25 से 30 हज़ार रुपये का चूना लगा दिया। एक महिला और दो व्यक्ति दुकान में घुसे और दुकानदार से कपड़े दिखाने के लिए कहा। इसी बीच ठगों ने हज़ारों रुपये के कपड़े और करीब 17 हज़ार रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सर मौजूद थे, करीब 12:30 के करीब आए थे और अंदर 3 लड़के थे और एक लेडी थी। और वजह में ऐसे कहने लगे कि कपड़े दिखा, मैं जो दिखा रहा था तो दुकानदार खड़ी है, मैं उसी तरफ कपड़े जा कर पल्ली तरफ से कह रहे थे कभी इसे दिखा कभी इसे दिखा, मैं जा रहा था पल्ली तरफ से। तो उन्होंने पहले जो है दो बार लेके पैंट मतलब लेडी ऐसे वो पहन रखा था, उसने नीचे बड़ा सा फिराक था तो उसमें दबा के जो दो बार तो पैंट धरी आई। फिर उसके बाद मुझे शक हो गया तो मैं उसे रोकने भागा तो वो गाड़ी लेके भाग गया। और उसमें जो है आके गला चेक करा तो हमारा 10 हज़ार किराया था दुकान का जो बल देना था हमें, और जो है 2 दिन का वैसे कलेक्शन था 2-4 हज़ार रुपये जो होंगे लगभग 1500 के करीब थे। और कपड़े कितने थे? कपड़े कम से कम 10 से 12 पैंट थे। कितने रुपये के होंगे? 700 रुपये के एक पैंट है, वही 7-8 हज़ार के करीब, 8 हज़ार के करीब। जी बता दें कि बछलौता रोड पर भगत सिंह कलेक्शन के नाम से एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है। दोपहर करीब 1 बजे एक वैगनार कार दुकान पर पहुंची जिसमें एक चालक एक महिला समेत 4 लोग सवार थे। कार से एक महिला और दो व्यक्ति उतरे और दुकान में जाकर शॉपिंग करने के लिए कपड़े देखने लगे। इसी बीच ठगों ने दुकान के संचालक सुमित सिद्धू को अपनी बातों में उलझा लिया और महिला कपड़े चुराने में लग गई और सीधे कार में जाकर बैठ गई। वहीं ठगों ने दुकान में रखी करीब 17 हज़ार रुपये की नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। जब दुकानदार को पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उसने कार का पीछा किया लेकिन कार सवार भाग खड़े हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 25 से 30 हज़ार रुपये का नुकसान दुकानदार को हो गया है। बता दें कि संचालक सुमित सिद्धू पुत्र सुरेश सिंह थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव लालपुर का निवासी है, जिन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। इतने में वो आ गए, उसके हाथी सार पीछे से एक लेडी थी दो आदमी थे। उसके बाद जो है वो जो है देखने लगे कि मुझे शर्ट दिखा वो दिखा, वो लड़का चला गया बाबूगढ़ वाला छावनी वाला जो भी था। कितने बजे की? 1 बजे थे, 12:30-1 के बीच में। 8 दिन में? हाँ जी। तो वो जो है जो 3 थे वो लड़का का जो वहाँ से ना मुझे वो दिखा मैं उधर जाऊँ, तो मतलब ऐसे करके इधर और भी बैठे थे दुकान के घर।